कोरोना वायरस बीमारी से इस वक्त हर कोई डरा हुआ है। यही नहीं, जो लोग जानवरों को पालने का शौक रखते हैं वो भी डरे हुए हैं। लेकिन कोरोना के चलते कई लोगों ने अपने पालतू जानवरों को छोड़ दिया है। वहीं सोफी मेमोरियल एनिमल रिलीफ ट्रस्ट की फाउंडर कावेरी राणा ने INS को बताया कि यदि आपके किसी परिवार को संक्रमण का खतरा हो और आपके पास पालतू जानवर हो तो आप हमारे पास छोड़ सकते हैं, हम उनकी देखभाल अच्छे से करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ कावेरी राणा भारद्वाज, फाउंडर ट्रस्टी सोफी मेमोरियल एनिमल रिलीफ ट्रस्ट। हम ग्रेटर नोएडा में हैं। विकलांग, दिव्यांग, बीमार, बेसहारा जानवरों के लिए कार्य करते हैं। वहीं लोगों ने इस महामारी के दौरान जानवरों का जिम्मा उठाने के लिए सोफी मेमोरियल एनिमल रिलीफ ट्रस्ट का आभार जताया, साथ ही इस ट्रस्ट की ओर से उठाए गए कदम की सराहना की। फ्रॉम सोफी मेमोरियल एनिमल रिलीफ ट्रस्ट, उनको बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वो अभी इस पैंडेमिक के टाइम जो काम कर रही है, जितने भी COVID-19 पेशेंट्स हैं, जो पेट पेरेंट्स हैं, उनके पेट्स को कोई रखना नहीं चाहते हैं, इवन लोग अबैंडन भी कर रहे हैं, बट कावेरी राणा भारद्वाज जी एंड उनके संस्था उन पेट्स को अपने पास रख के टेक केयर कर रहे हैं टिल द टाइम उनके जो ऑनर्स हैं वो ठीक होके घर वापस आ रहे हैं। आई हैव मेट देन कावेरी मैम एंड यश भैया एट सोफी मेमोरियल, देन दे हैव अश्योर्ड मी दैट इफ एनी ऑफ दिस थिंग हैपेंस, so they're gonna take care of my babies. दरअसल कोरोना महामारी के इस काल में बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और जो लोग अकेले रहते हैं और जानवरों को पाल रखा है, उन लोगों को इस बात की टेंशन है कि अगर कभी उन्हें कोरोना हो गया तो उनके जानवरों की देखभाल कौन करेगा। लेकिन वही सोफी मेमोरियल एनिमल रिलीफ ट्रस्ट ने न सिर्फ लोगों की समस्या का निदान किया है, बल्कि उन बेसहारा जानवरों का भी जिम्मा उठाया जिनकी कोई देखभाल नहीं कर सकता। INS के लिए मोहम्मद शोएब की रिपोर्ट।